नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर दीप्ति कड़वाले, कक्षा एक, विषय हिंदी। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको ओ की मात्रा के बारे में बताऊंगी। ओ की मात्रा का उच्चारण किस तरह से होगा? ओ, ठीक है। तो इस तरह से हम ओ की मात्रा का उच्चारण करेंगे और हमारी मात्रा ये देखिए, ओ, ये ओ और ये उसकी मात्रा ओ, ठीक है। तो ये हमारी मात्रा का उच्चारण इस तरह से होगा। अब मैं आपको नोटबुक में किस तरह से हमारा लिखित वर्क होगा उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। आइए देखते हैं। ये है हमारे ओ से बनने वाले शब्द और उनके चित्र। जैसे ओ से क्या है, ये ओखली, ये ओखली में मसाला कूट रही है ना लड़की, ओखली। ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी, देखो ये औरत ने कैसी ओढ़नी ओढ़ी है, तो ओ से ओढ़नी, ठीक है। ओ से और शब्द देखते हैं, और, ओट, ओस, ओठ, ओला, ओढ़नी, आओ, जाओ। तो ये हमारे शब्द चित्र ओ से। अब ओ की मात्रा वाले चित्र देखिए, ये है हमारे ओ की मात्रा वाले चित्र। जैसे त में ओ की मात्रा तो ता, तो ता। क में ओ की मात्रा को ट, को ट। म में ओ की मात्रा मो र, मो र। ढ में ओ की मात्रा ढो लक, ढोलक। ये क्या है? ढोलक। ये क्या है? मोर। ये कोट और ये तोता। तो बच्चों, ये देखिए, ये है ओ और ये है उसकी मात्रा ओ। इसका उच्चारण कैसे करेंगे? ओ। तो अब ये मैंने व्यंजन पे कुछ मात्राएं लगाई है और इसमें मैं कुछ मात्रा लगाकर बताऊंगी। तो अब पहले हम इसका उच्चारण देखते हैं किस तरह से होता है। जैसे क में ओ की मात्रा को, ख में ओ की मात्रा खो, ग में ओ की मात्रा गो, घ में ओ की मात्रा घो, च में ओ की मात्रा चो, छ में ओ की मात्रा छो, ज में ओ की मात्रा जो, झ में ओ की मात्रा जो, ट में ओ की मात्रा टो, ठ में ओ की मात्रा ठो, ड में ओ की मात्रा डो, ढ में ओ की मात्रा ढो, ण में ओ की मात्रा णो, त में ओ की मात्रा तो, थ में ओ की मात्रा थो, द में ओ की मात्रा दो, ध में ओ की मात्रा धो, न में ओ की मात्रा नो, प में ओ की मात्रा पो, फ में ओ की मात्रा फो, ब में ओ की मात्रा बो, भ में ओ की मात्रा भो, म में ओ की मात्रा मो, य में ओ की मात्रा यो। अब देखिए, र में ओ की मात्रा लगा के बता रही हूँ, इस तरह से सीधी लाइन खींचना है और ऐसे। र में ओ की मात्रा रो, ल में ओ की मात्रा लो, व में ओ की मात्रा वो, श में ओ की मात्रा शो, श में ओ की मात्रा शो, स में ओ की मात्रा सो, ह में ओ की मात्रा हो, श में ओ की मात्रा शो, त्र में ओ की मात्रा त्रो, ज्ञ में ओ की मात्रा ज्ञो और श में ओ की मात्रा श्रो, ठीक है। तो इस तरह से हमने ओ की मात्रा व्यंजनों पे लगाई है ना। अब हम दो अक्षर वाले शब्द देखते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे दो अक्षर वाले शब्द, दो अक्षर वाले शब्दों को हमने किस तरह से जोड़ा है। जैसे त, त जोड़ ओ की मात्रा जोड़ता, तोता। म जोड़ ओ की मात्रा जोड़ र, मोर। स जोड़ ओ की मात्रा जोड़ना, सोना। तो ये दो अक्षर वाले शब्द, तोता, मोर, सोना। अब तीन अक्षर वाले शब्द पे आइए। ये हमारे तीन अक्षर वाले शब्द देखिए कैसे जोड़ते हैं। क जोड़ ओ की मात्रा जोड़ य जोड़ ल, को य ल। ढ जोड़ ओ की मात्रा जोड़ ल जोड़ क, ढो ल क। ब जोड़ ओ की मात्रा जोड़ ल जोड़ना, बोलना। तो ये हमारे तीन अक्षर वाले शब्द, कोयल, ढोलक, बोलना। आइए वापस से दो अक्षर वाले शब्दों के ऊपर आइए। ये देखिए, इसमें तोता, तोता में त पे ओ की मात्रा लगी है। मोर, मोर में म पे ओ की मात्रा लगी है। सोना, सोना में स पे ओ की मात्रा लगी है, ठीक है। अब तीन अक्षर वाले शब्दों पे देखते हैं कौन से शब्द पे मात्रा लगी है, कौन से अक्षर पे मात्रा लगी है। तो जैसे कोयल, तो क में ओ की मात्रा लगी है कोयल में। ढोलक, तो ढ में ओ की मात्रा लगी है।
बोलना, तो ब पे ओ की मात्रा लगी है, ठीक है। अब हम आते हैं चार अक्षर वाले शब्द, ये हमारे चार अक्षर वाले शब्द, ये हमारे देखिए चार अक्षर वाले शब्द कैसे जोड़ेंगे, ख जोड़ र जोड़ ग जोड़ ओ की मात्रा जोड़ श, खरगोश, खरगोश। अब दूसरा देखिए, स जोड़ ओ की मात्रा जोड़ म जोड़ वा जोड़ र, सोमवार, सोमवार। नेक्स्ट, द जोड़ ओ की मात्रा जोड़ प जोड़ ह जोड़ र, दोपहर, दोपहर। नेक्स्ट, अ जोड़ न जोड़ म जोड़ ओ की मात्रा जोड़ ल, अनमोल। तो ये हमारे खरगोश, सोमवार, दोपहर और अनमोल, ये हमारे चार अक्षर वाले शब्द। अब देखिए ओ की मात्रा किस पे लगी है, खरगोश, तो ग पे ओ की मात्रा लगी है। नेक्स्ट, सोमवार, तो स पे ओ की मात्रा लगी है। दोपहर, तो द पे ओ की मात्रा लगी है। अनमोल, तो म पर ओ की मात्रा लगी है। तो ये हमारे चार अक्षर वाले शब्द, ठीक है। अब ये शब्द हमने बनाना सीखे, अब हम इन्हीं शब्दों से छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखेंगे। तो ये देखिए हमारे वाक्य, अब दो अक्षर वाले शब्द में हमने मोर सीखा था, ठीक है। तो हमने उस पे वाक्य क्या बनाया, मोर नाच रहा है, तो इसमें ओ की मात्रा म पे लगी है ना, मोर नाच रहा है। सेकंड, मोटर चल रही है, वापस म पे देखिए ओ की मात्रा, मोटर चल रही है। नंबर तीन, कोयल गाना गा रही है, तो क पे ओ की मात्रा, कोयल गाना गा रही है। अब नेक्स्ट, टमाटर गोल है, तो ग पे ओ की मात्रा, टमाटर गोल है, ठीक है। तो ये हमारे चार अक्षर वाले शब्द हो गए, ये वाक्य हो गया। अब देखते हैं क्या आता है नेक्स्ट, देखो ये देखिए ये क्या है, खोले हम ये हमारा होमवर्क है। तो देखिए हमारा होमवर्क क्या है, चलो खोल के देखते हैं हमारा होमवर्क क्या है। ये देखिए, नंबर एक, आपको क्या करना है, व्यंजन में ओ की मात्रा लगाकर अभ्यास करना है। व्यंजन में कौन से, क ख ग घ घ, ये व्यंजन में इस तरह से, जैसे क है तो क में ओ की मात्रा को, ख में ओ की मात्रा खो, ग में ओ की मात्रा गो, ऐसे श्र तक आपको ओ की मात्रा लगाकर इसका अभ्यास करना है। नंबर दो पे देखिए, दो अक्षर, तीन अक्षर और चार अक्षर वाले शब्दों को पांच बार लिखें, पांच बार, फाइव टाइम लिखकर आपको अभ्यास करना है। आया समझ में, ये था आपका होमवर्क। तो ये होमवर्क का आपको अच्छे से अभ्यास करना है और ओ की मात्रा याद रखनी है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने आज हमने समझी लिखित वर्क ओ की मात्रा का समझा, तो आप इसे अच्छे से याद करिए। तो बच्चों ये थी हमारी ओ की मात्रा, ठीक है। तो हमने जो लिखा है नोटबुक में, जो मैंने आपको लिखित वर्क समझाया है, दो अक्षर वाले, तीन अक्षर वाले, चार अक्षर वाले शब्द और व्यंजन में किस तरह से ओ की मात्रा हम लगाते हैं, तो ये आपको अच्छे से इसका अभ्यास करना है और ओ की मात्रा का लर्न करना है, ओ की मात्रा को अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो ओ की मात्रा के आप छोटे छोटे शब्द बनाइए, वाक्य बनाइए और इसे अच्छे से समझिए और इसका अभ्यास करिए। धन्यवाद।